नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शेखर, सेलेक्टेड कैंडिडेट इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैच 2020, और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सिलेक्शन मेंटर पर, जहां पर हम आप सभी के साथ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए MT यानी मैनेजर के लिए इंटरव्यू की सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज हमारा 5th वीडियो है, और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ कैडर वाइज फंक्शन, मैंने हर एक कैडर का क्या क्या बेसिक फंक्शंस होता है, क्योंकि आपको समझ के रखना चाहिए। एंड मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि हर एक कैंडिडेट को ये सीखना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नहीं कि अगर आप डिपोर्ट के हो तो केवल आपको डिपोर्ट के बारे में ही नॉलेज रखना है, नहीं, वो आपसे टेक्निकल का भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, वो आपको जनरल कैडर का भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। तो हर एक कैडर का बेसिक नॉलेज हर किसी को सीखना है, बट आज डिमांड आ रही थी कि डिपोर्ट कैडर के लिए बताने के लिए, मतलब मैंने कमेंट बॉक्स में देखा बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं डिपोर्ट कैडर के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बताने के लिए, तो मैं हर एक कैडर के बारे में इन डिटेल बताऊंगा, बट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिपोर्ट कैडर के बारे में। बट ये कैडर के फंक्शन बताने के पहले एक क्वेश्चन मैं अराइज करना चाहता हूं, जो लगभग 90% चांस होता है ये पूछा जाता है, एंड मुझसे भी पूछा गया है। मैंने 3 इंटरव्यू दिया, मेरे से उस 3 में से एक इंटरव्यू में पूछा गया, उसका नाम था RRBPO। उसमें मुझसे ये पूछा कि अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, आपने उससे बीटेक किया, तो फिर आप MTech क्यों नहीं करने गए, या फिर आप हायर एजुकेशन क्यों नहीं करने गए, ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों जॉब में आए। वो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने बैंक ही क्यों चुना या FCI ही क्यों चुना, ऐसा वो आपसे नहीं पूछेंगे। वो बस यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, आपने जब इससे ग्रेजुएशन किया तो फिर आप यहाँ कैसे आए, क्या कारण था कि आप यहाँ आना चाहते हो। तो बेसिकली आपको ये कहना है कि सर, जब मैंने एडमिशन लिया था इस सब्जेक्ट में या इस ब्रांच में या इस स्ट्रीम में, उस समय सभी लोगों का कहना था, या उस समय ये सिनेरियो भी था हमारे देश में कि यस, उस ब्रांच में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बट जैसे जैसे हम फाइनल ईयर की तरफ पहुँचे तो पता चला, पूरी चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं, अब पहले जैसा सिनेरियो नहीं रहा, अब इस सब्जेक्ट या इस स्ट्रीम में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एकदम 0% हो गई है और करियर ग्रोथ कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अब हायर एजुकेशन पे नहीं जाना चाहिए, मुझे अब जॉब करना चाहिए। तो इसलिए मैं तब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया और तब जाके मैं क्वालिफाई किया और आज इंटरव्यू देने आया हूँ, ठीक है। मैंने भी यही कहा था कि जिस समय मैंने BTech एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था, उस समय हर किसी का कहना था कि कृषि अभियंत्र यानी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में करियर ग्रोथ ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो इसको ज्वाइन करो। मैंने ज्वाइन किया, बट जब फाइनल ईयर में आया तो मेरे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि यस, अब इस ब्रांच में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बेसिक एग्रीकल्चर वालों की है, BSc एग्रीकल्चर वालों की है, और उसमें फ़ाइट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं होते, एक जनरल एग्रीकल्चर का आता है। तो वही आपको बस अपना पक्ष रखना है कि जब हम लोग फाइनल ईयर में आए तो हमारे सामने ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे ब्रांच या हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की और हमने क्वालिफाई किया और आज हम इंटरव्यू देने आए हैं। बस ये हो गया, कुछ उल्टा सीधा मत कहना। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिपोर्ट कैडर, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं केवल थोड़ा सा ही बताऊँगा डिपोर्ट कैडर के बारे में, और जो हमारा 6th वीडियो आएगा उसमें फिर इन डिटेल और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के वीडियो में केवल आपको मैं टर्म्स समझाता हूँ डिपोर्ट कैडर में, क्योंकि डिपोर्ट कैडर का काम बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसको समझाने में भी काफ़ी लंबा वीडियो लगेगा। तो देखो, बहुत सारे टर्म्स हैं, बट एक इंटरव्यू में जाने के लिए बेसिकली आपको टोटल 6 टर्म्स समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो टर्म्स हैं उसको मैं सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, और उसी सीक्वेंस वाइज तरीके से आप समझ जाओगे डिपोर्ट में क्या क्या काम होता है, बेसिकली क्या क्या काम होता है। तो जो पहला टर्म है दैट इज़ लॉट, LOT, लॉट। लॉट का मतलब हुआ एक तरह से माल, जो आपका अनाज आता है, ठीक है, FCI के पास, वो होता है लॉट, ठीक है। और एक लॉट में 580 बैग्स होते हैं, याद रखिएगा, एक लॉट में 580 बैग्स होते हैं, ठीक है। और वो लॉट FCI को कौन देता है, एजेंसी, जो स्टेट में एजेंसी होती है, क्योंकि स्टेट की जो एजेंसी होती है वही एजेंसी किसानों से क्रॉप को प्रोक्योर करती है, वो गेहूं करे, चावल करे या कुछ भी चीज़ करे, ठीक है, वो एजेंसी ही उनसे प्रोक्योर करती है, ठीक है। तो पहला हो गया लॉट, और एक लॉट में 580 बैग्स होते हैं, मान लो अगर 10 लॉट आया तो 5800 बैग्स आएंगे,
ठीक है, दो लॉट आया तो 580 × 2 जो भी बैग्स होगा वो उतना बैग्स हो गया उस दो लॉट में। लॉट के बाद जो अगला टर्म आता है उसको कहते हैं स्टैक, यानी आपके पास बोरियां तो आ गई, चावल की गेहूं की बोरियां तो एजेंसी वालों ने पहुंचा दी, अब उस बोरियों को स्टैक बना के रखना, अरेंज करके रखना, दैट इज अ स्टैक। और तीसरा जो टर्म होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, PV, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन कहने का मतलब कि स्टैक में जो बोरियां हमारी अनाज की पड़ी हुई हैं उसको कभी भी कोई भी नहीं, जो डिपोट के मैनेजर हैं वो उनको फिजिकली वेरीफाई करेंगे, खुद से वेरीफाई करेंगे। बट इसमें रूल क्या है कि जिस गोडाउन में रखा है उसके मैनेजर भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या कभी कभी दूसरे गोडाउन के भी डिपोट के मैनेजर आके इसको पर्सनली वेरीफाई कर सकते हैं। फिर जब PV हो जाता है तब आता है काम PDS करने का, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई करने का, क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ हमारा ग्रेन वगैरह सही है, अब उसको PDS करना है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई करना है, जगह जगह भेजना है। बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई करने से पहले एक टर्म आता है, याद रखिएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन और PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई के बीच एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या, जो चीज़ पहले आई वही चीज़ बाहर जाएगी। मतलब ये हुआ, मान लो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के किसी डिपोर्ट में 2018-19 की क्रॉप ईयर का भी ग्रेन्स पड़ा हुआ है, चावल गेहूँ 19-20 के भी क्रॉप ईयर का ग्रेन्स पड़ा हुआ है और 20-21 के भी क्रॉप ईयर का ग्रेन्स पड़ा हुआ है। क्रॉप ईयर क्या होता है, जो हमारे क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, खरीफ रबी, मेनली तो यही है, हालांकि एक जायद भी होता है बट मेनली दो हैं, खरीफ रबी। तो खरीफ से स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा कोई भी क्रॉप सीजन हमारा खरीफ से स्टार्ट होता है, खरीफ फिर रबी, और कुछ लोग जायद भी बोलते हैं बट मेनली यही दो होता है। और क्रॉप ईयर का बात मैं कह रहा था कि क्रॉप ईयर का हमारे पास गेहूं या चावल बचा माने पड़ा हुआ है, मान लो 18-19 का भी है, 19-20 का भी है, 20-21 का भी है, तो FIFO के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले 18-19 वाले को PDS के लिए भेजूंगा, उसके बाद 19-20 वाले को भेजूंगा और फिर 20-21 वाले को भेजूंगा। या मान लो मेरे पास 20-21 का भेजा जा चुका है, 19-20 का भी कुछ नहीं लेकिन 18-19 का है, और जो क्रॉप ईयर आ रही है 21-22 उसका भी मेरे पास मान लो आ गया, अनाज आ गया, तो मैं 21-22 को भेजने से पहले 18-19 वाले को मैं भेजूंगा। यही होता है FIFO। FIFO के बाद हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई होगा, भेजा जाएगा। अब उसमें के बाद होता है लास्ट रेक, याद रखिएगा लास्ट जो टर्म है दैट इज रेक, RAKE, रेक। वो रेक कोई भी एक गाड़ी है, वो माल गाड़ी भी क्यों ना हो उसे रेक बोलेंगे, ट्रक भी क्यों ना हो उसे हम रेक बोलेंगे, पूरी एक मालगाड़ी एक रेक कहलाएगी, दूसरी मालगाड़ी दो रेक कहलाएगी, तीसरी मालगाड़ी तीन रेक कहलाएगी, एंड रिस्पेक्टिवली अगर आपने 100 रेक भेजवाई दैट मीन 100 मालगाड़ी में हमारा अनाज FCI से PDS में गया, ठीक है। एंड जो ये जो रेक इस्तेमाल होता है ना मालगाड़ी वाला, वो दो ही तरह का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, एक मालगाड़ी में जिसमें 42 बॉक्सेज होते हैं वो मालगाड़ी इस्तेमाल होगी रेक में, नहीं तो 58 बॉक्सेज वाली, या तो 42 बॉक्स नहीं तो 58 बॉक्स, इन दो तरह के ही बॉक्स वाला जो रेक है यानी जो मालगाड़ी है यही PDS के लिए सप्लाई किया जाता है। तो अगले आने वाले वीडियो में मैं इन डिटेल बताऊंगा कि फिर इंटरनल क्या काम होता है डिपोट का। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।